एक व्यक्ति इतना कंजूस था, इतना कंजूस था कि गांव वालों ने उसका नाम व्यंग से रख दिया था दानचंद, क्योंकि वो कभी दान नहीं करता था, इसलिए उसका नामकरण ही कर दिया दानचंद। तो उसकी पत्नी रोज कहती, महाराज जीवन में एक बार गंगा स्नान कर लो। तो कहता था, गंगा स्नान करने जाऊंगा तो पंडित पुजारी होंगे, हमसे कहेंगे दक्षिणा दो स्नान के बाद, और मैं दक्षिणा दूंगा नहीं। और इसी कारण वो गंगा स्नान करने जाता ही नहीं था। पत्नी बहुत परेशान है, महाराज एक बार चले जाओ मुक्ति हो जाए, एक बार चले जाओ। अब हाथ पैर जोड़ने के बाद पति मान गया, कहा ठीक है जाऊंगा। घर से निकला जाने के लिए, लेकिन पता है कहाँ गया? गंगा घाट नहीं गया, फिर शमशान घाट गया। शमशान क्यों गया? क्योंकि उसे पता था कि यहां तो पंडित जी लोग नहीं होंगे, ब्राह्मण देवता नहीं होंगे, यहां चलूंगा तो भगवान भी बड़े लीलाधारी। वो जैसे ही स्नान करके बाहर निकला, भगवान स्वरूप बना के, और यजमान जी हमारी दक्षिणा दो, अरे तुम यहां भी आ गए। तो भगवान ने कहा, देखो हम आ नहीं गए, हम रहते यहीं पे हैं, हमारा यही घाट है, और हमें तो एक दो यजमान मिल जाए महाराज तो 6 महीने हमारा चल जाता है, वो सब छोड़ो हमारी दक्षिणा दे दो तुम। तो उसने कहा, भाई हम तो दक्षिणा लाए नहीं, दूं कहां से मैं? अच्छा कोई बात नहीं, मैं घर जाऊंगा तो तुम्हें दे दूंगा। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो एक हफ्ते बीते, जैसे ही एक हफ्ते भगवान फिर पहुंच गए, और यजमान लाओ हमारी दक्षिणा दो। पत्नी आई बाहर, है ब्राह्मण देवता आप कौन है? तो उन्होंने सारी घटना बताई, भाई तुम्हारे पति ने हमारे पैसे उधार रखे हैं, और ब्राह्मण की दक्षिणा कभी उधार नहीं रखनी चाहिए, सो अपने पति से कह दो दे दे। पत्नी गई भीतर, पत्नी ने कहा, सुनो जी कोई ब्राह्मण देवता आए हैं और वो कहते हैं कि भाई उनकी दक्षिणा आपने ले रखी है, सो दक्षिणा उनकी वापस कर दो। इसने कहा, ये तो यहां भी पहुंच गया। इसने कहा, जा करके कह दो बीमार पड़ गए हैं। तो पत्नी ने कहा, क्या बात करते हो, बीमार पड़ गए हैं? नहीं नहीं नहीं, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, नहीं जा करके कह दो। पत्नी बिचारी क्या करे, पत्नी ने सो कह ही दिया, महाराज वो तो बीमार पड़े हुए हैं और आप बाद में आइएगा। भगवान ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर वो बीमार है तो मैं बाद में ही आऊंगा। चले गए भगवान। एक हफ्ता बीता, अब तो हमारा यजमान ठीक हो गया होगा। भगवान फिर पहुंचे, और यजमान स्वास्थ्य कैसा है? बढ़िया है, चलो लाओ हमारी दक्षिणा दो। पत्नी आई, पति से कहा, सरकार वो तो फिर पहुंच गए। फिर पहुंच गए? हाँ, एक काम करो, जाओ कह दो कि वो मर गए हैं, वो मर गए हैं। पत्नी ने, अरे क्या 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 बोल रहे हो, राम 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 राम, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, दक्षिणा ना देनी पड़े इसलिए कहते हो मर गए। हाँ जा करके कह दो हम मर गए हैं। पत्नी ने तो वही पति की बात मानी, सो पत्नी ने बड़ी हिम्मत जुटाई और पत्नी ने जा करके कह दिया कि ब्राह्मण देवता क्या ही बताएं, अभी अभी उनका शरीर शांत हो गया, वो मर गए। बड़ा अद्भुत, बड़ा जिद्दी, बड़ा मक्खी चूस कंजूस महाराज, पत्नी से कहलवा दिया, जाओ कह दो कि वो मर गए हैं। पत्नी ने जाकर के तो कह दिया कि वो तो मर गए। भगवान ने कहा, अरे अरे राम राम राम, ये क्या, वो तो बहुत बड़ी घटना दुर्घटना हो गई, वो मर गए, हमारा यजमान था बेचारा और मर गया वो। कोई बात नहीं, हम भी इतने निर्दयी थोड़ी हैं कि अगर हमें दक्षिणा नहीं दी, पैसे नहीं दिए तो हम ऐसे ही चले जाएं। कहा, महाराज कहने का मतलब क्या है? कहा, हम भी जब तक अंतिम संस्कार न कर ले नहीं जाएंगे। अब जब तक अंतिम संस्कार न हो जाए महाराज, हम भी नहीं जाएंगे। पत्नी आई भीतर, तो भगवान ने क्या किया, पूरे नगर में जाकर के कह दिया, सुनो भाई दानचंद मर गया, दानचंद मर गया, दानचंद मर गया, सबसे सुना दिया, चारों तरफ सबसे चिल्ला चिल्ला करके कह दिया, दानचंद तो मर गया। अब गांव के लोग जब सुने भाई दानचंद मर गया, तो गांव के लोग भाई इकट्ठा हुए उसके घर पे। तो
मरने के पश्चात जो भी तैयारियां की जाती हैं, वो बनाया जाता है क्या क्या, वो सारी तैयारियां कर ली गई। और ये भीतर सांस रोक करके पड़ा हुआ था। पत्नी ने कहा देखो नाटक बहुत हो गया, और महाराज जी की दक्षिणा दे दो और ये मरने का नाटक खत्म करो। पति ने कहा तुम चुप हो जाओ, मुझे अपना काम करने दो। तो लोग उसे बाहर लेकर के आए और सैया पे सुला दिए, और वो महाराज नाक बंद करके सांस रोक करके पड़ा हुआ। अब से भी ब्राह्मण चला जाए, भगवान भी बड़े अठी गए नहीं। अब गांव के लोग उसे ले जाने लगे कंधे पे। अब पत्नी को लगा कि कहीं ये दक्षिणा न देने के चक्कर में सच में न मर जाए। तो पत्नी ने जोर जोर से चिल्लाया, रोना शुरू किया, अरे ये मरे नहीं है, ये जीवित हैं। तो गांव की औरतें समझाती, हम जानते हैं तुमको सदमा लग गया है, तुम सदमे में ऐसा कह रही हो। अब होता ही ऐसा है, कम आयु में बेचारे चल बसे। अब जिसके भी पति कम आयु में चले जाएंगे उसको ही ऐसा लगेगा कि वो मरे नहीं, वो जीवित ही है। पत्नी कह रही भाई मैं सही कह रही, मुझे कोई सदमा नहीं लगा है, मैं सही कह रही हूँ, जीवित ही है, मरे नहीं है। गांव की औरतों ने क्या किया, महाराज पकड़ करके और घर में भीतर बंद कर दिया, ताले मार दिए। लोग इसे कंधे पर लेकर के शमशान घाट पहुंचे। भगवान सोचे बड़ा जिद्दी है, अब भी नहीं बोला। पहुंचते पहुंचते शमशान घाट पहुंचे, जो भी क्रियाएं थी सब पूर्ण कर ली गई। सब करने के पश्चात जब मुखाग्नि देने की बारी आई तो भी कुछ नहीं बोल रहा है, सोया पड़ा है। भगवान ने हार मान ली। भगवान ने कहा ये बड़ा जिद्दी निकला, ये दक्षिणा हमारी देगा नहीं वैसे। तो भगवान आए, लोगों से कहे सुनो भाई, ये हमारा यजमान था, और भाई यजमान चाहे जैसा भी हो, कल्याण तो हम चाहते ही हैं, तो ठीक है हम इसका कल्याण चाहते हैं, और इसे हम मरते समय चलो कान में मंत्र दे दे ताकि इसकी मुक्ति हो जाए। भगवान पहुंचे दानचंद के पास और कानों में जाकर के धीरे से कहा, दानचंद अरे उठ जाओ, तुम्हारे सामने भगवान खड़े हैं। तो दानचंद को लगा कि सही में भगवान आए होंगे। दानचंद ने आंख बंद किया था, जैसे आंख खोला वही ब्राह्मण खड़ा है। तुम यहां भी चले आए, तुम यहां भी चले आए। भगवान ने कहा देखो हम तुमसे हार गए, भैया तुम ही जीत गए। एक बात बताओ, तुम्हें वरदान में क्या चाहिए? मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। दानचंद ने कहा वरदान? मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। कहा नहीं, मांग लो। कहा अगर देना ही चाहते हो तो हमारे वो 2 रुपए छोड़ दो, हमें और कोई वरदान में नहीं चाहिए। भगवान ने वो पैसे उसके छोड़ दिए। ऐसे ऐसे महाराज महाकंजूस पड़े रहते हैं।